सो दोस्तों, ये जो हम लोग आज चैप्टर करने जा रहे हैं रेनबो पार्ट टू का 12th क्लास के लिए, है ना, ये आपका है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आईज, है ना। हम लोग इसको कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। इंडिया इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स ट्रेवलर्स आईज, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज। हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन वन फटाफट शुरू कर लेते हैं, हम लोग दूर भागने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है सर। इंडिया इंडिया थ्रू थ्रू अ ट्रेवलर्स ट्रेवलर्स आईज इज रिटन बाई। सबसे पहले तो यही आता है कि ये लिखा किसने है सर, है ना। आपके पास ऑप्शंस हैं, डोरोथी एल सेयर्स ने लिखा है क्या, या बर्ट्रांड रसल, बर्ट्रांड रसल ने लिखा है क्या, या पर्ल एस बक ने लिखा है क्या, या एंटोन शिकोव, एंटोन है ना, एंटोन शिकोव ने लिखा है क्या। तो इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आईज लिखने वाली थी पर्ल एस बक थी, कोई यही थी। और डोरोथी एल्सियस ने हाउ फ्री इज द प्रेस लिखा था, बर्ट्रांड रसेल ने लिखा था द आइडियाज हैव हेल्प दैट आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड लिखा था। एंटोन शिकोव ने मैरिज प्रपोजल लिखा था। तो बचा कौन, पॉल एस बक, एक लेडी है, इन्हीं ने लिखा था इसको, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आईज। चलिए सर, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर टू, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में कूदते हैं। ये बात, व्हेन वाज, ये तो नेचुरल सी बात है कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो व्हेन वाज पर्ल एस बक बोर्न। सवाल पूछता है कि कब पर्ल एस बक पैदा हुई थी। आपको ऑप्शंस हम दे रहे हैं, एक कप देख लीजिए। 1872 में पैदा हुई थी, 1882 में पैदा हुई थी, है ना, 1862 में पैदा हुई थी, या फिर 1892 में पैदा हुई थी। सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो याद रखना पड़ेगा मतलब वो याद ही रखना है, कुछ करना है नहीं। नंबर थ्री में हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो फिर डेथ के बारे में बात कर लेते हैं। पर्ल एस बक डाइड इन, कब उनका देहांत हुआ था, 1933 में हुआ था क्या, 1973 में हुआ था क्या, 1963 में हुआ था क्या, या फिर 1943 में हुआ था क्या। तो इनकी डेथ कब हुई थी। तो ये भी 1973 में हुए, वो आप उनकी मौत हुई थी, इसमें भी कुछ नहीं है, आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा, दूसरा तो कुछ करना है नहीं, बिकॉज ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, फैक्चुअल है, कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में। क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं सर। क्वेश्चन फोर बोल रहा है, पर्ल एस बक इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। पर्ल एस बक वॉन द नोबेल प्राइज, नोबेल एन थोड़ा बड़ा सा एन, नोबेल प्राइज है ना, नोबेल प्राइज है ना, इन कब उनने नोबेल प्राइज जीता था, 1931, 1918, चलिए बात करते हैं 1928, एंड देन 1940,
43। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है सर, कुछ नहीं करना। 1943 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। अब सवाल पैदा होता है कि नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था, बिल्कुल सवाल बनता है। तो हम इस सवाल को भी देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। पर्ल एस बक वन नोबेल नोबेल प्राइज फॉर व्हाट, फॉर पीस, फॉर साइंस, फॉर लिटरेचर एंड फॉर मेडिसिन। मेडिसिन किसके लिए इनको लिटरेचर सॉरी इनको नोबेल प्राइज मिला था? तो सर इसको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ना ही पीस के लिए मिला था, ना ही साइंस के लिए और ना ही मेडिसिन के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन 5 तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। 6 है, चलिए। तो पर्ल इज बक, पर्ल एस बक, ओके, पर्ल एस बक इज एन डैश राइटर। पर्ल एस बक कहाँ की राइटर लिखेगा थी? तो आपको आपको हम ऑप्शंस दे रहे सर, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अमेरिकन थी क्या? अमेरिकन थी, इंडियन थी, ओके। और रही बात, अमेरिकन थी, इंडियन थी, ईरानियन थी, ईरानियन थी या फिर अफ्रीकन थी? देखिए काफी है ना, काफी परेशानी सी परेशानी वाली बात है कि ये जो हमको दिया हुआ है सर, देखिए एन एन शुरू में है और ये खाली जगह है। एन का मतलब कि कोई ना कोई जो भी वर्ड शुरू होगा वो वॉवल से शुरू होगा, और बहुत ही चला के देखिए यहाँ भी ए आई आई एन देन ए, तो सोचना पड़ेगा। ये अमेरिकन थी क्या, इंडियन थी, ईरानियन थी, अफ्रीकन थी? इनका इनकी पैदाइश तो हुई थी कहाँ पे, चाइना में हुई थी, चाइना में इनका इनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, पैदाइश भी हुई थी। लेकिन पलेसबर्ग थी कहाँ की, वो थी कहाँ की? यहाँ तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो उनकी जो माँ बाप पे जाएगा सब कुछ, तो वो कौन थे? अमेरिकन थे, क्लियर है। लेकिन वो थी कहाँ की, अब वो पैदा कहाँ हुई थी? चाइना में पैदा हुई थी। चलिए ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप भी देखते रहिए है ना, क्वेश्चन नंबर 7 आप भी फटाफट बता सकते हैं इस चीज को, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन 7 जो है सर, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 7 के बारे में। चलिए ठीक है। इंडिया इंडिया थ्रू आ ट्रेवलर्स आई ट्रेवलर्स आईज ये जो है ये क्या है एक इज एन इंस्पायरिंग इंस्पायरिंग ये आ रहे हैं इंस्पायरिंग डैश इंस्पायरिंग क्या है भाई? इंस्पायरिंग ऐसे है ना, स्टोरी है क्या, स्टोरी है या फिर ये नॉवेल है या फिर एक तरह का ये ड्रामा है? आखिर ये है क्या? ठीक है क्या? इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई जो आपका पर्ल इस बक ने लिखा था, ये एक एस्से है सर, स्टोरी भी नहीं है, नॉवेल भी नहीं है, ड्रामा भी नहीं है, ये एक एस्से है। ठीक है चलो, अच्छा है, एस्से है। ये कैसे है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8, 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में हमको मिलता है
डैश डैश हैज प्रेज्ड काफी प्रशंसा की है, तारीफ की है, इंडिया हैज प्रेज्ड इंडिया है ना, इंडियन पीपल एंड देयर लाइव्स कहता है कि किसने इंडिया और उसके लोगों के जीवन के बारे में तारीफें की हैं, प्रेज किया है, तो आपको हम आपको दे देते हैं। शिगानोया ने किया क्या? पर्लेस बक ने किया है, पर्लेस बक या मार्टिन लूथर ने किया है क्या? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया है क्या, या फिर कमला दास। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन ये है कि किसने इन चारों में से किसने हैज प्रेज इंडियन पीपल एंड देयर लाइव्स, जो इंडिया का है वो इंडियन पीपल के बारे में क्या बोलेगा? ऐसे कमला दास हैं, इनने ग्रैंड मदर्स हाउस लिखा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर नहीं नहीं शिकानोया नहीं, पलेस बक। तो इसमें यही है, पलेस बक ही है जिनने इंडिया जब वो आई थी तो यहाँ के लोगों से काफ़ी वो अफेक्टेड हुई थी, काफ़ी प्रभावित हुई थी, उनको काफ़ी मुतासर किया था यहाँ के लोगों ने, यहाँ के उनकी सोच ने, यहाँ की पॉलिटिकल सोच ने, और जो भी है तो अच्छा लगा था उनको। तभी उनने एक ऐसे लिखा था ये इस पर कि जब हम इंडिया घूमे तो क्या क्या आपको इंडिया में देखा, तो काफ़ी प्रभावित हुई थी वो। तभी कह रहे कि किसने इंडिया और उसके लोगों के ज़िंदगी के बारे में क्या क्या था प्रेस किया था और बताया था कि कौन कौन कैसे कैसे यहाँ पे रहता है। ठीक है, चलिए। और वो पॉलिटिकली भी किस तरह से सोचते हैं, पॉलिटिकल सोच को भी उनने दिखाया था कि कहा था कि यहाँ के लोग शहरों में, कस्बों में, देहात में सब कुछ पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव है, इस चीज़ को उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए 9 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है सर, इंडियन पेजेंट्स मैंने होता दोस्तों किसान, इंडियन पेजेंट्स आर पुअरर देन डैश काउंटर पार्ट्स। उनने अपने एसे में लिखा था कि इंडिया के जो किसान हैं वो लोग किस किससे ज़्यादा क्या है, गरीब हैं, है ना, किससे ज़्यादा गरीब हैं आपके सामने? पाकिस्तानी के बारे में बात किया था उसने, या फिर श्रीलंकन या चाइनीज, या फिर उन्हें बात किया था भूटानीज। सर वो चाइना में पैदा हुई तो डेफिनेटली वो चाइना के बारे में बात करेगी। जब वो यहाँ यहाँ पे आई तो देखा यहाँ के लोगों को, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग जो हैं चाइनीज जो किसान है उससे ज्यादा गरीब हैं, ज्यादा पुअर हैं। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ अगर हम रुख करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10th हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 10th, अब रही बात की डैश एडवाइज द इंडियन इंडियन इंडियंस नॉट टू ब्लेम ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। कौन था, किसने इंडियंस को एडवाइस किया था, कहा था कि हर है ना हर चीज को है ना हर चीज के लिए ब्रिटिशर्स को मतलब अंग्रेजों को हर चीज के लिए जो तुम पे राज किए थे उनको हमेशा है ना
ब्लेम नहीं करना चाहिए, मतलब दोषी नहीं बताना चाहिए। हमेशा इंडियंस को कहा था कि आपको हमेशा ही ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो आपके जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, उसको आप हमेशा क्या करें, कोसें या फिर ब्लेम करें। किसने ऐसा कहा था? ऑप्शंस हम आपको दे देते हैं सर। ऑप्शंस हम आपके सामने दे देते हैं कि ये कहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था क्या? मलगांवकर ने कहा था क्या? या फिर पर्ल एस बक ने कहा था क्या? या फिर सीगा नोया ने कहा था? सर यही थी, वो कुछ नहीं करना है। पर्लेस बक ही थी जिनने ब्रिटिश इंडियंस को कहा था, भारतीयों को कहा था कि आप अंग्रेजों को हर बात के लिए जिम्मेदार मत ठहराओ। ठहराना अच्छी बात नहीं है, हर बात के लिए अंग्रेजी जिम्मेदार है ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, the people must be reckoned as belonging to the Caucasian race। कहाँ के लोगों को कहा था कि वहाँ के लोग मस्ट बी रिकॉन एज द बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन, उसको गिना जाना चाहिए, रिकॉन किया जाना चाहिए कॉकेशियन रेस के रूप में। कॉकेशियन बोलते हैं दोस्तों इंडो यूरोपियन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है चाइना, अच्छा क्वेश्चन है, चाइना, भूटान, पाकिस्तान या फिर इंडिया। कुछ सोचने की तो बात है नहीं, इंडिया ही होगा। द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉन्ड है ना एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस। आप याद रखिए, जब भी कॉकेशियन रेस की बात आएगी, बारी आएगी, वहाँ इंडिया ही होगा। इंडियन के लोग कहीं कहा गया था कि ये जो है ना, ये जो पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉन्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस, ये इंडिया के लोग को कॉकेशियन रेस में ही इन्हें क्या किया है, गिना है, रिकॉर्ड किया है। तो चलिए दोस्तों, ये इंडिया जो का, चूँकि वीडियो लंबी हो रही है, ये लंबा हो रहा है, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आईज जो है, ये पॉलिस बक ने लिखा था। कुछ क्वेश्चन थे आप, जो आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, चलो अच्छा है। आपके जो 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 तैयारी है उसमें एक बिल्कुल ग्लॉस सा लग जाएगा, आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। तो चलिए, इस तरह से आप तैयारी करते रहिए, लास्ट वक्त है, बिल्कुल करते रहिए, हार नहीं मानना है, यही वक्त है बिल्कुल अपना सब कुछ लूटने का और कमाने का। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नथिंग मोर देन दैट। आप प्रैक्टिस करते रहिए, लिख कर क्वेश्चंस को देखिए, और एंड देन एग्जाम के लिए, जो कि आपका बहुत ही जल्दी कुछ दिन बाद ही आने वाला है, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। आप बढ़िया से क्वेश्चंस को लिखिएगा, काट फाट नहीं करना है, ज़्यादा बिल्कुल ओवर राइटिंग नहीं करना है, और बढ़िया से लिखना है सजा करके। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।